सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। चलो बाहर। तुम गद्दारों में से कोई भी ये नहीं समझता कि अगर जबान खामोश भी रहे तब भी हकीकत जल्द या बदेर एक न एक दिन सामने आकर ही रहती है। सालिया सुल्तान, और दिमित्री? दिमित्री की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं मिली। हुसैन का घर खाली पड़ा है, उसे अपने साथ महल ले गए हैं वो लोग। हमारे कत्ल के लिए इतने बेताब क्यों हो? इसलिए कि आप हम रूसियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं, और हमारा अरूज आपकी मौत से मशरूद है। अगर तुम वादा करो कि मेरे भाई के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा मैं। अब्दुल हमीद से गद्दारी करोगे? अपने भाई की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। वो चाहते हैं कि आप इस सौदे में शामिल हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको इसमें हिस्सा मिलेगा, और वो भी आपके हक से कई गुना ज्यादा। क्या वाकई? यानी बाबा का कत्ल बड़े माली बुरहान साहब ने किया है? जी हाँ, उसी जालिम ने आपके बाबा को कत्ल किया। तुम वहां जाकर कहोगे कि तुम उसका मुआयना करना चाहते हो। जाहिर है तुमने ही उसका इलाज करना है। मुआयने के बाद ये दवा तुम उसे पिलाओगे। महमूद कहाँ है? महमूद कहाँ है? मेरे ख्याल में मैंने आपको भी मुश्किल में डाल दिया है जनाब कारासु। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मौके का फायदा उठाया है। अगर पालमर मुझसे हिसाब मांगेगा तो मैं किसी तरह उससे बासानी निपट लूंगा। आप बेफिक्र रहिए। बात यह है कि मुझे अपने मामलात को खुद ही सुलझाना है। अगर फ्रांसीसी सफीर मेरी बात मान लेता तो हमें ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। पालमर उन पर भी दबाव डाल रहा है। पालमर वो इस जमीन के हवाले से पालमर की नीयत नहीं जानते। वो नहीं जानते कि पालमर के जरिए बरतानिया इस जमीन को भी हिंदुस्तान जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बदकिस्मती से वो शख्स बदअमनी फैलाने आया है। हम एक उस्मानी सल्तनत चाहते हैं जिस पर अब्दुल हमीद को माजूल करने के बाद उस पे हुकूमत कर सकें, वरना अब्दुल हमीद का इस तरह से कत्ल हो जाना उसे जाबाज बना देगा, जो हमारे मुस्तकबिल के आदाब के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
हमारे लिए सिर्फ उसको माजूल कर देना ही काफी है। उसे माजूल करने से ही हमारे आदाब हासिल होंगे। जनाब कारसो, क्या आपने सबातीन से इस बारे में बात की है? मैं अब तक इस पे बात नहीं कर सका, लेकिन अगर उसे इस बात का इल्म हो गया कि आप रिफत को उसका हिस्सा देने वाले हैं, तो वो यकीनन आपसे बात नहीं करेगा। तो ये बात है जी, बिल्कुल। मगर मैं उसे अपने साथ ले जाने का वादा भी तो कर रहा हूँ। वो इस पेशकश को कभी कबूल नहीं करेगा। अब्दुल हमीद को जब तक तख्त से गिरता हुआ ना देख ले, वो यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं उससे बात करूंगा। शुक्रिया जनाब कारस, मैं आपसे एक और हिमायत भी चाहता हूँ। कहिए। फियदा और तलत साहब से कहिए कि वो किसी को तलाश करें जो मुझे बंदरगाह तक ले जाए। फरोख्त के बाद जितनी जल्दी हो सके मुझे पेरिस के लिए हर सूरत रवाना होना है। जरूर। बेवकूफ, बेवकूफ, नालायक, तुम उसे जाने की इजाजत कैसे दे सकते हो? कैसे? जनाब आपने कहा था कि करासू साहब से कोई खतरा नहीं। महमूद जलालुद्दीन को करासू साहब ही लेकर गए हैं, इसलिए हमने उन्हें नहीं रोका। तुमने ये क्या कर दिया? सुल्ताना पूरी रात बुखार में रही हैं, लेकिन उन्होंने हमें आपको बुलाने से मना कर दिया था। इन्हें ठंडी हवा से बुखार हुआ है, मैं इनके लिए दवा तैयार करके भेजती हूँ फौरन। इनकी सेहत बेहतर हो जाएगी ना? इंशाल्लाह, मगर आज पूरा दिन इन्हें आराम करना होगा। जी पूरी रात भी नहीं सो पाई हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं इनका ख्याल जरूर रखूंगी। मुझे लगा था अब्दुल हमीद मुझे फौरन तलब करेगा, मगर अभी तक बुलावा नहीं आया, जबकि मैंने मलिका की जिंदगी बचाई है। शायद सालिया सुल्तान ने ही उन्हें रोका हो। वो तो खुद मेरी शुक्रगुजार हो रही थी। मुझे नहीं लगता इस बार वो रोकेंगी। आ जाओ। शहजादी, मेरी साहिबा। बताइए सुहाल, सालिया सुल्तान कैसी हैं? उन्हें काफी बुखार है, वो आराम कर रही हैं। तबीबा उनकी दवा तैयार करने गई हैं। मगर तुम उनकी दवा को एक दूसरी दवा से तब्दील कर दोगी। सालिया सुल्तान को कुछ दिन मजीद बीमार रहना चाहिए, ताकि वो मेरे रास्ते में आकर मेरा काम मुश्किल न बनाए। मुझे तुम पर भरोसा है जुहाल, तुम ये काम कर सकती हो। जी बिल्कुल। आ जाओ। मेरी साहिबा। बोलो। सुल्ताने मौज़म ने आपको तलब फरमाया है। मेरे लिए शर्फ की बात है। चलिए फिर सुल्ताने मौज़म को इंतजार न करना पड़े। आप ठीक तो है ना बेटे? जी सुल्ताने मौज़म। सुल्ताने मौज़म, हम दुकान पर नजर रखे हुए थे कि उस दौरान एक मशकूक शख्स दुकान में दाखिल हुआ और थोड़ी देर बाद दुकान से निकलकर बहुत उजलत में कहीं जाने लगा। मैंने और नादिर साहब ने उस शख्स का ताकुब किया। वो एक घर में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसके साथ जनाब कारासू और चंद दूसरे अफराद भी मौजूद थे। क्या आपको यकीन है बेटे, जिसे आपने देखा वो कारासू ही था? जी हाँ सुल्तान मौज़म, जब वो वहां से चले तो हमने एक दूसरे घर तक उनका ताकुब किया, वो जनाब कारासू ही थे। वो किस घर में दाखिल हुआ था? बेउलू के एक घर में दाखिल हुए थे वो। जब वो वहां से रवाना हुए तो एक बार फिर हमने उनका ताकुब किया सुल्तान मौज़म। वहां से वो अपने घर चले गए और मैं वापस बेउलू वाले घर में गया। मैंने तहकीकात की लेकिन कोई मशकूक बात सामने नहीं आई।
वो घर किसके नाम है? रिफत नामी एक शख्स अपने घर वालों के साथ वहां रहता है। शायद वो करासू का मौकिल हो। महमूद जलालुद्दीन की पहली बीवी से पैदा होने वाला बेटा है। यकीनन करासू इस काम में महमूद जलालुद्दीन की मदद कर रहा है। नादिर साहब जिन लोगों के पीछे गए थे उनकी कुछ खबर है क्या? नहीं सुल्ताने मौसम, नादिर साहब के ताकुब का उन लोगों को पता चल गया था। उन्होंने अपने आदमी भेजे थे। नादिर साहब ने उन सबको ठिकाने लगा दिया, लेकिन तब तक वो लोग नजरों से ओझल हो चुके थे। रिफत पर और उनके घर पर नजर रखें, करासू का ताकुब भी जारी रखें और हमारे हुक्म का इंतजार करें। कहिए पाशा। सुल्तान मौज़म, सिपाहियों ने सालिया सुल्तान पर हमला करने वाले शख्स का आखिरकार सुराग लगा लिया है। क्या उसे जिंदान में भेज दिया गया है? नहीं सुल्तान मौज़म, उसे किसी ने मार दिया है। और वो खादिमा जिसने इत्तला दी थी सालिया सुल्तान को, वो शदीद जख्मी हालत में सिपाहियों को मिली है। उसे मुर्दा समझ कर वहाँ छोड़ दिया गया था। यानी उसको खामोश करवा दिया गया है ताकि वो कुछ बता ना सके। बिल्कुल ऐसा ही सुल्तान मौज़म, अगर वो खातून हमें कुछ बता सके तो शायद हम कातिल तक पहुँच सके। ये बात आम कर दें कि वो दोनों मर चुके हैं, सब जान लें कि वो औरत मर चुकी है और हम उसका इलाज करवा के उससे तफ्तीश करेंगे। समझिए सुल्तान मौसम, इस तरह उस खातून के पीछे कोई नहीं आएगा और हम उससे आसानी के साथ तफ्तीश कर सकेंगे। हमें मालूम करना है कि इस हमले के पीछे कौन था और किसने उन लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश की। अगर अब भी शर्म नहीं आई तो तुम्हें मर जाना चाहिए। बताओ, तुमने रियासत का सौदा कितनी रकम के एवज और कहां किया? बताओ। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारा मकाम या तुम्हारी रकम तुम्हें बचा नहीं पाएगी। अगर तुमने कोई चलाकी दिखाई तो तुम्हें यही मार दूंगा। पुरसुकून हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। सुल्तान मौसम, मैंने फरोख्त होने वाली हवेली के बारे में तहकीकात करवाई है। उसकी फरोख्त का इश्तिहार दिया गया है। फ्रेडरिक मार्शल नामी एक वकील ने उस हवेली की फरोख्त की जिम्मेदारी ली है। इस नाम की तहकीक की आपने? जी हां सुल्तान मौसम, इस नाम का कोई भी वकील पाया तख्त में नहीं मिला। यानी महमूद जलालुद्दीन के पास अब कोई रकम बाकी नहीं रही। अब वो अपनी औलाद से राब्ता करके उसकी हवेली फरोख्त करने की ख्वाहिश रखता है और करासो एक जाली नाम इस्तेमाल करके ये काम कर रहा है। मैं समझा नहीं सुल्तान मौसम, उन्हें इस वक्त रकम की क्या जरूरत पड़ गई आखिर? उसे यहां से फरार होने के लिए रकम चाहिए, मगर हमें लगता है उसके पास इस्तांबुल से निकलने की भी रकम नहीं है। सुल्तान मौसम, महमूद जलालुद्दीन तो फ्रांसीसी सिफारतखाने में था। वो अगर फरार होना चाहे तो फ्रांसीसी सिफारतखाना उसकी मदद कर सकता है। फिर इतना मुश्किल रास्ता क्यों इख्तियार करेगा वो? हम भी यही बात सोच रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अगर उसके पास इस्तांबुल से निकलने की रकम भी मौजूद नहीं है तो यकीनन उसका फ्रांसीसियों से इख्तलाफ हो गया होगा। करासू को बुलाइए, अहमद नूरी उसे खुद यहां लेकर आएंगे ताकि उसे कोई शक ना हो। जी बेहतर सुल्तान मौसम।
बेमिसाल खादमा। सुल्ताना हम उठना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए। सुल्ताना तबीबा का कहना है कि आज आपको आराम करना चाहिए ताकि आप जल्द सेहतयाब हो सके। आ जाए। सुल्ताना आ जाओ, जोहाल अंदर आओ। मैं आपकी दवा लाई हूँ सुल्ताना। हम ठीक हैं, दवा की जरूरत नहीं। ऐसा मत कीजिए सुल्ताना, आपको कल से बुखार है, आपके हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। मैं जानती हूँ आप उदास हैं क्योंकि आप आज का रोजा नहीं रख सकी, मगर आप ईद के बाद अपने रोजे की कजा दे सकती हैं सुल्ताना। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है मिसाल खादमा। बीमारी की हालत में इंसान इबादत भी नहीं कर सकता। ये लीजिए सुल्ताना। बदकिस्मती से अभी आप सेहतयाब नहीं हो सकती, आपको कुछ दिन मजीद आराम करना होगा। सुल्ताने मौसम, खुश आमदीद मेरी साहिबा। आपने मुझे तलब फरमाया? जब हमारा आपसे पहली बार सामना हुआ तो आपकी सेहत ठीक नहीं थी, फिर हमें पता चला कि आपने एक मुसल्ला शख्स का बहादुरी से मुकाबला किया। हम आपके दिल से मोतरिफ हैं, आप वाकई बहुत काबिल हैं। हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। अपने काम की वजह से मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता है, मुश्किल सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता है, इसी वजह से मैंने अपना दिफा करना सीख लिया। लेकिन एक चीज से मैं अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाई, और वो है मेरी सांस की बीमारी। आपकी बहादुरी काबिल तारीफ है, आपने मलिका की जिंदगी बचाई है। सालेहा सुल्तान को इस कदर परेशानी की हालत में देखकर उनको बचाने के सिवा हमारा किसी तरफ ध्यान न रहा। हम आपके इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। बदले के तौर पर मुझे आपसे सिर्फ एक चीज मतलूब है। कहिए क्या मतलूब है? एक सहाफी होने की हैसियत से मैं आपके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आजकल आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन वादा करती हूँ आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, यकीन कीजिए। ठीक है, इफ्तारी के बाद कहवे के वक्त आपसे मुलाकात होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे मैं आपसे एक बात जानना चाह रही थी, क्या वो हमलावर पकड़ा गया? हमारे पहुँचने तक वो मर चुका था। जिसने भी उसे इस काम का हुक्म दिया था उसे डर था कि वो हमें उसका नाम न बता दे। दवा लेने के बावजूद भी हमारा सर अभी तक चकरा रहा है, मैदे में भी तकलीफ है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, उठने की भी हिम्मत नहीं। तकलीफ कम हो जाएगी सुल्ताना, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। वैसे भी आप कुछ दिन से बहुत मसरूफ थी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। आपकी जान बच गई, अल्लाह का शुक्र है। जी बिल्कुल, हमारे फराइज में कोताही हो रही है, हरम पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहे, सब कैसा है? हरम का निजाम ठीक चल रहा है, फिक्र मत कीजिए आप। मेरी साहिबा कैसी है? उनको वक्त दें, वो खुद को अकेला महसूस ना करे। हम उनका ख्याल रखते हैं, और वैसे भी सुल्तान मौसम ने आज उन्हें मदु किया है। मेरी साहिबा ने हमसे जिक्र किया था। आ जाएं। पाशा, तबीब साहब आए हैं। अंदर ले आओ उन्हें। आइए। आइए तबीब साहब। आपने ही हुसैन बेटे के बाजू पर पट्टी की थी, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल पाशा, मैं पहले उसके घर गया था मुआयने के लिए, तो वहां से मालूम हुआ कि वो महल में है। आप तो
जानते ही हैं कि पट्टी करने के कुछ दिन बाद मुआयना करना जरूरी होता है। जी जानता हूं, महल के तबीब हुसैन बेटे के बाजू का मुआयना कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि आप भी तशरीफ ले आए हैं। आप खुद देख लेंगे तो बेहतर होगा। सुनो बेटा, तबीब साहब को हुसैन बेटे के कमरे में ले जाइए, ये उसके बाजू का मुआयना करेंगे। जैसा आपका हुक्म पाशा। जाइए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तबीब साहब, कैसे हो हुसैन बेटा? मैं तुम्हारा मुआयना करने के लिए आया हूँ। मैं अब काफी बेहतर हूँ, आपको जहमत करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ मैं, इसे पीने से दर्द कम हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आलिया, सालेहा सुल्तान को परेशान कर दिया आपने। उन्हें ये क्यों बताया आपने कि मेरी साहिबा चचा से मुलाकात के लिए गई हैं? तो आखिर इसमें छुपाने वाली क्या बात है? आप सही कह रही हैं कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, लेकिन एक बीमार इंसान के सामने गैर जरूरी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कितनी बार आपको तंबीह की है मगर आपको समझ ही नहीं आता। आलिया, कल ईद है, पर आहे मेहरबानी यकीना ये नफरत भूल जाइए, कुछ नहीं रखा इसमें। आप हमारी छोटी बहन हैं, इस शाही खानदान का हिस्सा हैं, बहुत अच्छी हैं आप दिल की, हम जानते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुनिए। मोहतरमा, मोहतरमा, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, तुम जाओ। आपने कहा था किसी को कुछ नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी, तो फिर वो दोनों क्यों मारे गए? आपको बचाने के लिए। अगर उन दोनों को नहीं मारते तो सुल्तान अब्दुल हमीद हम तक पहुंच जाता और हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते थे। क्या मतलब, सिर्फ इम्कान की वजह से आपने उन्हें मार दिया? ये कोई मामूली बात नहीं है। अब्दुल हमीद की मलिका पर हमला हुआ था, क्या आपको लगता है कि वो तहकीकात नहीं करेगा? हमने उन्हें इसीलिए मारा कहीं वो अपना मुंह ना खोल दें। मगर आप ऐसे किसी की जान हरगिज़ नहीं ले सकते। शतरंज की बाजी ऐसी ही होती है, उसमें शाह को बचाने के लिए पियादों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद से मैं शतरंज के इस खेल में आपके साथ नहीं हूँ। मैं ये काम अपने तरीके से करूंगी, आपकी मदद की जरूरत नहीं मुझे। चलिए नादिर साहब, सुल्तान माजम ने कहा था कि उन्हें कोई शक ना हो, हम करसू को खुद अपने साथ लेकर जाएंगे। उसे ऐसा लगे कि हम यहां उसे बुलाने के लिए आए थे। जनाब करासू। कहिए। सुल्तान मौजम ने आपको तलब फरमाया है। खैर तो है। हमें ज्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन कोई कानूनी मामला है, आप फौरी तौर पर महल पहुंचाए बस।
जरूर, चलिए फिर देखते हैं। सुल्ताने मौसम, कहिए पाशा क्या हुआ? सुल्ताने मौसम, हुसैन बेटे की वफात हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं पाशा, कैसे हो गई उनकी वफात? सुल्ताने मौसम, अभी तक उसकी वफात का सबब मालूम नहीं हो सका हमें। जो तबीब उनका मुआयना करने आए थे उनसे मालूमात लीजिए पाशा। सुल्ताने मौसम लापता है वो, मैंने सिपाहियों को उनकी तलाश में भेजा है, लेकिन हुसैन बेटे के बाजू की पट्टी में से एक छोटी सी पिस्तौल बरामद हुई है। फौरी तौर पर उस तबीब को तलाश कीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। दरवाजा खोलिए बेटा। आपने कहा था कि हम हमला करेंगे, मगर कब और कहां करेंगे ये नहीं बताया था। हम इतने जल्दी क्यों आ गए हैं? क्या कहा जल्दी? हमें इस सरजमीन पर बहुत पहले ये सब कुछ कर लेना चाहिए था गैब्रियल, हमें देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। हम यहां क्यों आए हैं? ये अंदाजा लगाने के लिए कि हमें किस तरह अब्दुल हमीद का सामना करना है। अब्दुल हमीद क्या यहां आएगा? हां बिल्कुल, लेकिन कब? ईद के दिन वो यहां के ताजिरों से मिलने आएगा। वो तो ठीक है जनाब, मगर इतने लोगों के दरमियान हम मारेंगे कैसे उसे? घबराओ मत गैब्रियल, पहले हमें एक दुकान खरीदनी है, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कुछ बताया इसद पाशा ने? नहीं सुल्ताने मौसम, मैं कई घंटों से सवालात कर रहा हूं मगर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। अगर वो ना भी बताए तो भी हम सब कुछ जानकर ही रहेंगे, और तब अगर उसने कुछ बताया भी तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। सुल्ताने मौसम, जनाब करासू आ गए हैं, मुलाकात के मुंतजिर हैं। बुला लीजिए अंदर। जी बहुत बेहतर, दरवाजा खोलिए बेटा। जनाब करासू आइए। आ जाइए। सुल्ताने मौसम, जनाब करासू, आज तक आपने कई बार हमारी रियासत के लिए काम किया है, आखिरी बार तुमीनी के सिलसिले में आपसे मुलाकात हुई थी। मैं हमेशा आपके और इस रियासत के लिए किसी भी तरह की खिदमत पेश करने को तैयार हूँ। तुमीनी वाले मामले को हमने अपने अंदाज में हल किया, तब भी आपने ऐसा ही कहा था कि आप हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे, जैसा कि अभी कह रहे हैं। खैर, हम इस मर्तबा फिर आपकी बात का इतबार करके आपको रियासत की एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। जी जरूर, आप बस हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूं। पाशा, आप तो जानते हैं कि महमूद जलालुद्दीन अब रियासती पाशा नहीं बल्कि गद्दार है। उसने इस बात का खुद इतराफ किया है कि वो एक मैसन पाशा है। अब वो अपने बेटे की हवेली फरोख्त करना चाहता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि वो फरार होने के लिए हवेली फरोख्त करके रकम हासिल करना चाहता है। क्या वो सबाहद्दीन की हवेली फरोख्त कर रहे हैं? नहीं, सबाहद्दीन की हवेली नहीं बल्कि अपनी पहली बीवी से होने वाले बेटे रिफत की हवेली फरोख्त करना चाहता है। हम जानते हैं कि वो अपने बेटे से रابطे में नहीं, लेकिन अब चूंकि उसे रकम की जरूरत है तो वो यकीनी तौर पर अपने बेटे से رابطہ करेगा। हम चाहते हैं कि आप महमूद जलालुद्दीन के सालिसी वकील बन जाएं। जो आप चाहें सुल्ताने मौसम,
लेकिन इस इश्तिहार में दर्ज वकील का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। इस तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा कोई वकील है ही नहीं जनाब करासू। आपकी आसानी के लिए हमने पहले ही तहकीकात करवा रखी है। ये नाम जाली है, ऐसा कोई वकील नहीं यहाँ। पाशा। समझ गया सुल्ताने मौसम। अगर वो हवेली फरोख्त हो गई तो महमूद जलालुद्दीन को एक और मौका हाथ आ जाएगा। वो फिर से ताकतवर होकर रियासत के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देगा। हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ये मामला हल कर लें। आपके असर और रसूख की वजह से ये काम हमने आपको दिया है। आप इस फरोख्त के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके हमें इत्तला कीजिए। जो हुक्म सुल्ताने मौसम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुल्ताने मौसम, माजरा चाहता हूं, आपने ये काम हमें क्यों नहीं सौंपा? जनाब करासू से ज्यादा जल्दी हम ये मामला हल कर सकते थे। ये इश्तिहार देने वाला और इस मामले का सालिसी वकील अभी हमारे सामने खड़ा था पाशा। फिर आपने ये जिम्मेदारी उसे क्यों सौंपी सुल्ताने मौसम? क्योंकि हम इस मामले से उन्हें बेनकाब करना चाहते हैं पाशा। हमें जनाब करासू के हवाले से काफी खबरें मौसूल होती रही हैं, इसलिए अब हम खुद देखना चाहते हैं कि क्या सच है क्या झूठ। ये देखिए जनाब, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। शुक्रिया, हमें नहीं खरीदना। जनाब देख तो लीजिए। नहीं चाहिए, जाओ भाई। यहाँ तो कोई भी दुकान खाली नहीं है जनाब। उस शख्स को देख रहे हो? जी। इसका ताकुब करो, मालूम करो उसका घर कहाँ है। हम ये वाली दुकान लेंगे गैब्रियल, जाओ कहीं वो नजरों से ओझल ना हो जाए। सर चकरा रहा है मिसाल खात्मा। सुल्ताना, आपको अभी आराम की सख्त जरूरत है। आपको बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था। हमें अब उठना होगा, हरम को हमारी जरूरत है। तबीबा ने कहा है कि आपका कुछ दिन आराम करना जरूरी है। अगर हम मजीद लेटे रहे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह ना करे। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सुल्ताने मौसम को खो देंगे और दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। उस औरत की वजह से आप ऐसा सोच रही हैं सुल्ताना? मौका पाते ही सुल्ताने मौसम की नजरों में अच्छी बन गई। आप इजाजत दें तो उसे महल से रवाना कर दूं। हाँ। उस औरत ने हमारी जिंदगी बचाई है, आप जानती हैं हम उनके बारे में गलत कैसे सोचे। उस औरत की नीयत अच्छी नहीं है सुल्ताना, और मैं जानती हूँ कि ये बात आपको भी महसूस हुई होगी। ऐसा ही है मिसाल खादिमा, ऐसा ही है। सुल्ताना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए। आप बिस्तर से उठ गई हैं, लगता है अब आपकी तबीयत बेहतर है। हम ठीक है, शुक्रिया। सुनकर खुशी हुई। सुल्ताने मुअज्जम से मुलाकात का मौका मिल गया आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। मैंने कहा आपके बारे में जानना ही मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा, तो उन्होंने ये सुनकर आज इफ्तार के बाद मुझे साथ कहवा पीने के लिए बुलाया है। आप बिला वजह खुश ना हो मेरी साहिबा। सुल्ताने मौसम ईद से पहले मसरूफ होते हैं। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है, लेकिन अगर आज मौका ना मिला तो वो किसी और दिन मुझे वक्त देंगे।
करासू सबाहद्दीन। अब तुम्हारे बाबा महमूद जलालुद्दीन पाशा को पेरिस जाने के लिए बिलाखिर रकम हासिल हो जाएगी। कैसे? उनके दूसरे बेटे रिफत की वजह से। बाबा रिफत से मिले हैं क्या? उन्होंने उससे रकम ली है? तुम पहले पुरसुकून हो जाओ, आराम से मेरी सारी बातें सुनो, बैठो। देखो सबाहद्दीन, तुम्हारे बाबा महमूद जलालुद्दीन पाशा के पास कोई और रास्ता नहीं है। वो बहुत मुश्किल में हैं और वो इस्तांबुल से जाना चाहते हैं, और उन्होंने सोचा कि रिफत की हवेली बेचकर रकम हासिल कर सकते हैं। बस क्या रिफत ने ये बात कबूल कर ली? बाबा तो कई बरसों से उससे मिले तक नहीं। जब हमने उसे बताया कि तुम्हारे हिस्से में ज्यादा रकम आएगी तो वो मजबूर हो गया। सिर्फ यहाँ से फरार होने के लिए उन्होंने एक ऐसे शख्स का एहसान ले लिया जिसने उन्हें बाप का मुकाम तक नहीं दिया। वाह महमूद जलालुद्दीन पाशा, अगर वो बेबस ना होते तो कभी ऐसा ना करते सबाहद्दीन। उस हवेली में मेरा, वालिद सनेहा सुल्तान का और मेरे भाई का, हम सबका हक है। वो हवेली हमारी खानदानी मीरास है, लेकिन आज तक हमारा भाई होते हुए हमें भाई का दर्जा ना देने वाला अब उस हवेली में से भी हमारा हिस्सा हड़प कर जाएगा। मैं समझ चुका हूं बाबा को अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। ये तुम दोनों का साथी मसला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहूंगा कि तुम जज्बाती होकर सोच रहे हो सबाहद्दीन। देखो जरा इस मामले को ठंडे दिमाग से सोचो। तलत साहब। कहिए जनाब का रसूल। महमूद पाशा ने आपके जिम्मे भी एक अहम काम लगाया है। आपको मार्सिल जाने वाली एक कश्ती का इंतजाम करना होगा। फियदा के साथ बंदरगाह जाएं और इस फहरिस्त में मौजूद लोगों से सवालात कीजिए। देखिए इनमें से कौन 4,500 फ्रैंक के एवज मार्सिल जाने के लिए मानता है, और फिर उस शख्स के बारे में आप फ्रांसीसी सफारतखाने मालूमात भिजवा दीजिए। ठीक है? समझ गया। सबाहद्दीन, तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें ले जाना चाहते हैं। मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो जाना चाहते हैं तो जाएं। सालेहा सुल्तान तो चलने की कोशिश कर रही थी। उनको जो दवा दी थी उसके बाद तो उनका उठना मुश्किल था। असर नहीं कर रही वो, उसकी मिकदार बढ़ा दो ताकि वो अपने बिस्तर से उठ ही ना पाए। मैं आज शाम अब्दुल हमीद से मुलाकात जरूर करूंगी। सालेहा सुल्तान की कुव्वत मुदाफियत बहुत कम है, वो जल्द सेहतियाब नहीं हो पाती। दवा की मिकदार बढ़ा देना मुनासिब नहीं रहेगा, वो एक बार मौत के मुंह से वापस आई है। क्या आपको उनकी मौत पर अफसोस होगा? हम किसी को मारना नहीं चाहते, चाहे कोई भी हो। बेफिक्र रहिए, मैं भी किसी को मारना नहीं चाहती हूँ। दवा की मिकदार नहीं बढ़ाना, मगर उनको सख्त आराम की तलकीन करती रहना। आप सुल्तान मौजम से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरी साहिबा का उनसे बात करना आपको नामुनासिब लगता है। वैसे भी ईद करीब है और ईद के दिनों में सुल्तान मौजम काफी मसरूफ होते हैं। इमसाल खादमा, क्या मुझे सुल्तान मौजम के फैसलों में मदाखलत करनी चाहिए? तो क्या सोच सोच के आप सिर्फ परेशान होती रहेंगी? कहवे के वक्त हम भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपकी सेहत इस काबिल नहीं है सुल्ताना, अभी आपको आराम की जरूरत है। मगर हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना इमसाल खादिमा। आ जाए सुल्ताना, आपकी दवा का वक्त हो गया। हम जल्द अज जल्द सेहतयाब होना चाहते हैं जुहाल।
ये लीजिए सुल्ताना। सुल्ताने मौसम, तबीबों की इलाज से काफी फायदा हुआ है। खादिमा की हालत अब बेहतर है, अब उससे तफ्तीश की जा सकती है। सुल्ताने मौसम, इफ्तार के बाद जाकर हम उनसे बात करेंगे पाशा। मालूम करते हैं कि मलिका को किसने नुकसान पहुंचाया। अब्दुल हमीद को शायद अंदाजा हो गया है, इसलिए वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया है। बदकिस्मती से मैं हमेशा उसकी जहानत पर हैरान रह जाता हूं। लेकिन हम इस बात को अपने हक में भी कर सकते हैं। कैसे? अब्दुल हमीद को अंदाजा भी नहीं कि उसने हमारे हाथ में एक तुर्क का पत्ता दे दिया है। जनाब का रसूल, जल्द से जल्द वो हवेली फरोख्त करें, चाहे कीमत बिल्कुल कम मिले फिर भी उसे बेच दें और रिफत को उस रकम में से उसका हिस्सा दे दें। चलिए ठीक है, मगर मैं अब्दुल हमीद को क्या कहूंगा? फरोख्त के वक्त अब्दुल हमीद को भी बुला लीजिएगा। देखो, मैं तुम्हारे भाई के पास ले आया हूं तुम्हें। कौन है ये विक्टर साहब? कहां होते हैं? क्या करते हैं? सबाहतीन ने एक मक्तूब भेजा है। उसने लिखा है कि रिफत वाले मामले की वजह से अब वो आपके साथ नहीं आना चाहता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसके साथ हैं। आंखें खोलिए।